तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा ग्रुप डी में जो नो जॉब का सर्टिफिकेट मांगा गया है उस पर कई प्रकार के डाउट्स सामने आ रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपके उन सभी डाउट्स को आज मैं दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और हमारे चैनल को यूनिक इंटेलिजेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपको समय समय पर हरियाणा में होने वाली वैकेंसीज सही से लेकर स्कॉलरशिप सभी तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। और आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को कैसे भरना, आपको बताते रहेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी में जो नो जॉब का सर्टिफिकेट मांगा गया है उसकी क्या ज़रूरत है और किन किन को जो ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा ग्रुप डी में जो नो जॉब का सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो सबसे पहले इसकी जो ज़रूरत है वो ये जो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है जिनकी परिवार की सालाना इनकम है जो 4 लाख से कम है, और उनके घर में कोई भी अभी तक सरकारी नौकरी नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सर्टिफिकेट है किन को अप्लाई करना है, और या फिर जिनके फादर की डेथ हो चुकी है वे स्टूडेंट्स, उनको ये फॉर्म है जो नो जॉब का सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। साथ में कई डाउट्स ये भी आ रहे हैं कि सर क्या नो जॉब का सर्टिफिकेट तहसीलदार से तहसीलदार के पास वेरीफाई करवाना होगा। तो मेरा मानना है कि और मेरा कहना है कि आप इसे सेल्फ अटेस्टेड करके डायरेक्ट जो अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपके कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है जो तहसीलदार से वेरीफाई कराने के लिए आपको तब जानना जब आपकी जो आपका जो पेपर क्लियर हो जाएगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है आपको तहसीलदार से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो मैं ये वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कोई तहसीलदार से वेरीफाई नहीं करवाना हो। हरियाणा ग्रुप डी की जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की साइट है उस पे जो आप फॉर्म को अपने ग्रुप डी का अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को आप देखेंगे कि उसमें भी आपको दिया गया कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड है जो अपलोड करने हैं, और आप जब प्रिंट निकालेंगे तब भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपको जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है सभी तरह के डॉक्यूमेंट है जो वो सेल्फ अटेस्टेड करके ही अटैच करने हैं, और जो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको ये है जो तहसीलदार से वेरीफाई करवाने हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो हरियाणा ग्रुप डी की जहाँ आपकी जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उस पर नो जॉब के सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन 5th है, जो इसकी हरियाणा ग्रुप डी में जो आपकी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उसमें 5th इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया आप खुद पढ़ सकते हैं। इट इज़ सर्टिफाइड दैट आई हैव अपलोडेड द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एटेक्स्ट्रा After confirming the correctness before finally submitting the application form. In case of any same is not found to be uploaded correctly, then my claim towards the same may not be considered. तो आप देख सकते हैं कि इसके जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्टेड है जो आपको अपलोड करने हैं, और जो ये डॉक्यूमेंट्स में बताए गए हैं इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, और जो नो जॉब का सर्टिफिकेट है वो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आता है, वो आपको क्या दिया गया है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है। अब तो आपको आ गया होगा समझ में, और मैं आपको इसके जब आप प्रिंट इसका निकालेंगे तब भी ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि आपको नो जॉब का सर्टिफिकेट है सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो आप जो प्रिंट निकलवाएंगे उसके जो थर्ड पॉइंट है इसमें भी दिया गया है कि आपको जो यो नो जॉब का सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करना है। तो आप पढ़िए
द एप्लीकेंट शैल हैव टू अपलोड फ्रेशली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स विद प्रेजेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन सपोर्ट ऑफ हिज हर क्लेम इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट द एप्लीकेशन विल नॉट कंसिडर एंड शैल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कि आपको जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही आपको इसमें अपलोड करने हैं। आपको इस बताया नहीं गया कि आपको तहसीलदार से आपका जो फॉर्म है नो जॉब का वेरीफाई करवाना है। तो इस वीडियो में मुझे बस आपकी यही सभी डाउट्स नो जॉब के सर्टिफिकेट से रिलेटेड दूर करने थे। तो इस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।